हरियाणा दे चरखी दादरी निर्वाचन रीजन दे समसपुर पिंड विच वोटरां ने चोणां विच वोट मंगन आ रहे सारी पॉलिटिकल पार्टीज नूं एक अनोखा चैलेंज दिता। पिंड वालियां ने कहा कि वोट चाहिदा है तां उन्हां दे पिंड विच सप्लाई हो रहा पानी पियो। लोकां दा आरोप है कि ओह पीण दे पानी नूं खरीदण ते मजबूर ने क्योंकि एक दशक तों उन्हां दे पिंड विच गंदा ते बदबूदार पानी सप्लाई कीता जा रहा है। ਇਹ ਪਾਣੀ ਇਨਸਾਨ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨੇਤਾ ਇਸ ਪਾਣੀ ਕੋ ਆ ਕੇ ਪੀ ਲੇ ਹਮ ਉਸਕੀ ਵੋਟ ਦੇ ਦੇਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨੇਤਾ ਜੋ ਇਸ ਪਾਣੀ ਕੋ ਆ ਕੇ ਪੀ ਲੇਗਾ ਉਸ ਨੇਤਾ ਕੋ ਹਮ ਵੋਟ ਦੇ ਦੇਂਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਪੀਏਗਾ ਜਬ ਪਤਾ ਚਲ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਪੀ ਪਾਏਗਾ ਉਹ ਐਸੇ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਬਈ ਵੋਟ ਤੀ ਮਤ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਆ ਜਾਏਗਾ। इसका ढक्कन खोल 10 से 12 साल हो गए, देखा होगा वहाँ काल जो भी नेता आता है वो बोले पानी देंगे, बिजली देंगे, ये करेंगे, लेकिन करते कुछ है नहीं। पिंड विच महिलावां हमेशा पानी दे गिलास नाल तैयार रहंदियां ने ताकि कैंडिडेट्स नूं एक गंदा पानी पिलाया जा सके। 10-12 था ठीक आया करता पहले पहले शुरू शुरू में, फिर भी 10-11 साल तक ही सही आया उसे। अरीब और दादा उसे साल भर से कैसे करते गुजर बसर? गुजर हम तो टैंकर से डलवाते हैं, मोल्या सा पानी सब पीने का भी, कपड़े धोने का भी, नहाने का भी। चाय बन जाती है? नहीं नहीं नहीं, इसका गंदा पानी तो किसी चाय बना, ये तो हम पा भी ना दो, एलर्जी हो जाती है हमारे। बच्चे बीमार होते हैं, मोल का पानी लेते हैं, पीने का भी, नहाने खातर भी, सब क्या ही खतर है, बहुत गंदा पानी आवा है। हम तो भरते ही नहीं, डांगर कौन जाते हैं, और इतना गंदा आता है कि इतनी दूर तक बदबू आती है, अगर कूलर में डाल लिया तो 2 दिन तक बदबू आती है, इतना गंदा पानी आ रहा है हमारा। नहीं कपड़े धो सकते हम, नहीं नहा सकते, कुछ भी नहीं करते, सारा मॉल का पानी लेते हैं। वोट मांगना आएगा तो खुसड़ों की माला डालेंगे और जूत मारेंगे, वोट नहीं देंगे। पिंड दी पंचायत ने दस्या कि जदों पानी दे सैंपल क्वालिटी चेक विच फेल होए, उस तों बाद गवर्नमेंट स्कूल प्रिंसिपल अपने बलबूते ही साफ पानी दा इंतजाम स्टूडेंट्स लई कर रहे ने। पानी की तो जी यहाँ पे जैसे बहुत बड़ी किल्लत है, आपने भी देख लिया, जो ये प्रिंसिपल हैं जो स्कूल के वो अच्छे आदमी हैं और वो अपने पास से जो है ना इसमें पानी डलवाते हैं और वो पानी बच्चे पीते हैं। जो सरकारी पानी है वो बिल्कुल फैल है, जहर के बराबर है, और उसकी जो रिपोर्ट है वो आपने देख ली, वो भी फैल है, तो वो पानी पीने योग्य नहीं है बच्चों के लिए। ये मान लो कि जहर का काम करता है, ये लगा लो 10 साल हो गए लगभग, कोई समाधान नहीं हुआ है। 2000 घर हैं, ये काफ़ी सालों से खराब चल रहा है, कोई सुनवाई नहीं होती है। इलेक्शन का टाइम आते हैं तो पार्टी आ जाती है, उसके बाद हमें जात से बाहर गिर देते हैं, कोई समाधान नहीं है पानी का। आप पानी आप देख रहे हो, आपने ट्राई किया है, पीने के लायक है ही नहीं, ना तो स्कूल में जाता है ना गांव में जाता है, कोई सप्लाई नहीं है, कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। पिंड वालियां नु ए यकीन है कि आने वाले इलेक्शंस तो बाद पानी की समस्या सॉल्व हो जाएगी।